अस्सलाम वालेकुम व्यूज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ठीक होंगे। आज भी लाए के किचन में बन रहे हैं जी बहुत मज़े के ये सिंपल से मैक्रोनीज़। बहुत मज़े की सिंपल सी इसकी रेसिपी है। पहले भी मैं दो तीन बार इसकी डिफरेंट किस्म की रेसिपीज़ दे चुकी हूँ। आज बिल्कुल सिंपल से मेथड के साथ आपको बता रही हूँ, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये 1 लीटर हमने पानी लिया, उसके अंदर ये 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। ये देखिए 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो गया और ये 1 कप हमने मैक्रोनीज लिए हैं, ये वाली। इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इनको हम 5 से 6 मिनट के लिए कवर करेंगे। ये देखें जी, ये इस तरह से रेडी हो गए हैं। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है और इनको हम स्ट्रेनर में डालेंगे। मैं पकड़ूंगा। ये देखें, यहाँ पे हमने स्ट्रेनर में इनको डाल दिया है और इस तरह से ये हम टैप ऑन करेंगे और इनको वॉश करेंगे अच्छी तरह से। ये इनका ट्रिक है, बिल्कुल आपस में जुड़ेंगे भी नहीं ठंडे पानी से इनको वॉश कर लें। बस अब ये बिल्कुल रेडी है। ये देखें बिल्कुल एक एक जो है अलग है और ये अब इनको रख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये हमने लिए मैक्रोनीज और इनके बॉईल करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। और ये लिए हमने 1 अदद शिमला मिर्च और थोड़ी सी बंद गोभी, इनको बारीक काट ली है। और ये मटर और गाजरें, इनको हमने हाफ बॉईल कर लिए। चिकन लेंगे हम 1 कप, ये इस तरह से छोटे स्लाइसेस में काट लेने। और ये सिरका हमने लिया है 3 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, चिली सॉस जो है ये हमने 1 टेबलस्पून लिया है, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून और सॉल्ट जो है अकॉर्डिंग टू टेस्ट जाएगा। और 1 आलू के इस तरह से हमने फ्राइज बना लिए, ये इसके अंदर जाएंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये ऑयल लिया हमने। ये देखिए ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया, इसके अंदर ये हम चिकन ऐड करेंगे अपना। चिकन को जो है फ्राई करेंगे। यहाँ देखें जी, चिकन हमारा कितना प्यारा सा खूबसूरत सा फ्राई हो गया है। ये देखिए, बस ऐसा ही चिकन हमें चाहिए था। यहाँ पे हम ये बंद गोभी और शिमला मिर्च डाल देंगे और इनको भी स्टर फ्राई कर लेंगे। बस 1 से 2 मिनट के लिए इनको हम बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। अब यहाँ पे हम ये मटर गाजर भी ऐड कर देंगे। इनको भी बस 1 से 2 मिनट के लिए
मिक्स करेंगे। यहाँ पे ये हम अपना विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और ये नमक, यहाँ पे ये सब हम इसमें ऐड करेंगे और इनको ये देखो अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहीं पे हम ये अपनी मैक्रोनी जो हमने बॉइल कर रखे हैं ये ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितने कलरफुल से लग रहे हैं। और यहाँ पे ये हम फ्राइज भी ऐड कर देंगे। ये फ्राइज कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं डालते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप लोग किसी दिन ये डाल के ज़रूर ट्राई करें। और ये हमारे मज़े के सिंपल इजी से चिकन और वेजिटेबल वाले सिंपल से मैक्रोनी रेडी हो गए। अब हम आपको डिसाइड करके दिखाएंगे। तो ये देखें जी, आपके सामने ही हम इसको डिश आउट करेंगे। ये बहुत ही मज़े की हमारी जो है मैक्रोनीज रेडी हुई हैं। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें। मुझे यकीन है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। और प्लीज़ जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक करते जाएं, एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। तो इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी और बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ आऊँगी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।